Assalamualaikum viewers, welcome back. Today I am too much curious about for guess about for what. Let me tell you. The day today is brings some happiness, some sadness in my life. So दरअसल आज दिन कुछ ऐसा है मेरे लिए कि जो अभी तक मैं इसी जसूस में पड़ा हुआ हूँ कि कैसा होगा आज का दिन। तो आज दरअसल मेरा दिन है रिजल्ट का, सेकंड ईयर का रिजल्ट, और देखते हैं कैसा आता है। अभी टाइम हो रहा है 9 के करीब तकरीबन, और 10 बजे मेरा रिजल्ट है, देखते हैं आगे क्या। और जो उगो की सीरीज है ना, वो हम थोड़ी देर करेंगे डिले उस चीज़ को, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उस पर लागत बढ़ जाती है, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, और यहाँ रंगपुरे से वहाँ जाना उगो की काफ़ी हद तक अच्छा खासा पेट्रोल आ जाता है, उसका ये खर्चा आ जाता है, और दूसरे खर्चे भी जो हैं वो भी अच्छे खासे आ जाते हैं। तो हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई है ऐसी कि अगर पता चले ना कि सुबह कयामत है, तो आज जो है ना जाए नमाज महंगे कर देने हैं, ऐसे मुल्क में हम रहते हैं। तो इसी तरह जो है ना, मैं रात को जाता हूँ क्लिनिक, तो वहाँ जो है ना आई फ्लू इन्फेक्शन फैला हुआ है, वायरस फैला हुआ है, तो हर दूसरा पेशेंट जो है ना, कोई 5 में से 4 पेशेंट्स आँखों के ही आ रहे हैं, तो हर आँखों की जो मेडिसिन है वो शॉर्ट कर दी हुई है। बताएं अब हमारा क्या हो सकता है, ऐसे मुल्क का क्या हो सकता है। मतलब हर मेडिसिन, जितने ड्रॉप्स उसके, जितनी ऑइंटमेंट्स हैं वो शॉर्ट, जो कुछ स्टॉक्स हैं वो महंगी करके बेच रहे हैं, और कुछ तो बेच ही नहीं रहे बेचारे। जो पेशेंट्स हैं वो तकलीफ़ में हैं, दर्द में, पेशेंट्स जो हैं वो दर्द में तकलीफ सह रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से उन्हें राहत मिल रही है। कोई घरेलू तोड़ के कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पॉलीफेक्स मिल जाती है, वो पता नहीं क्या सीन है। बाकी जो स्पेसिफिक मेडिसन है ना, स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं, वो कर दी हुई हैं सारी। क्या हो सकता है अब हमारा, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं। तो बस आप लोग जो है ना, मुझे तो बस इंतज़ार है रिज़ल्ट का, और आप लोग भी मुझे बताना किस किस का आज सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट था, और कैसा कैसा आया ये भी बताना साथ, और आपका भाई भी लाजमी बताएगा इंशाल्लाह, जैसा भी आएगा, जैसा भी, अगर अच्छा आ गया तो व्लॉग भी आ जाएगा, अगर ना अच्छा आया तो इसका मतलब वीडियो भी नहीं आनी। ओके, मैं अंदर आके लेट गया हूँ, और तकरीबन 18 मिनट बाकी हैं मेरे कारनामे सामने आने के, और घर वाले बड़े मज़े से दोबारा फजर की नमाज़ पढ़ के सो चुके हैं, ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ हो गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा गम, गम इस चीज़ का कि प्रैक्टिकल्स के नंबर्स बहुत कम लगे हैं मेरे, और खुशी इस चीज़ की है कि मैं पास हो गया, एवरेज 60% नंबर आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और दुख मुझे इस चीज़ का हुआ है कि यार मेरा ना एक दोस्त बन गया हुआ था, जो बिल्कुल मेरे पीछे उसका रोल नंबर था, तो उसके रोल नंबर का भी मुझे पता था, तो उसके प्रैक्टिकल्स भी मेरे साथ ही आए थे बिल्कुल सेम डेट्स पे, तो उसके जो है ना प्रैक्टिकल्स के पूरे पूरे नंबर्स आए, बाकी जो है ना उसके कम है मुझसे नंबर्स सब्जेक्ट्स में, एक दो में कुछ ज़्यादा हैं बाकी कम है, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मेरे सारे अच्छे हैं, बस एक फ़िज़िक्स के थोड़े कम नंबर्स आए हैं, और कुछ केमिस्ट्री के काम हैं, और प्रैक्टिकल्स के बहुत 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 ज़्यादा कम मेरे लगे हैं नंबर्स, बस इस वजह से कि सिफारिश नहीं थी मेरी, मेरे पीछे मैं कोई साथ नहीं था लेके गया, कोई टीचर नहीं था मेरे साथ,
कोई सर नहीं था गया, और उस लड़के के पीछे काफ़ी बड़ी सिफारिश की हुई थी, उसने ख़ुद मुझे बताया था। और उसके 30 30 30 तीनों प्रैक्टिकल्स में फुल नंबर्स लगे हैं। इस चीज़ का मुझे ज़रा हुआ है दुख। और हमने जो है ना बड़ा मिल बांट कर पेपर जो है ना हमने किए थे, तो उसने जो है ना काफ़ी कुछ पूछा मुझसे भी, और कुछ मैंने भी पूछा उससे। और बस दुख हुआ मुझे इस चीज़ का, प्रैक्टिकल्स के नंबर्स बड़े कम लगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 60% के करीब करीब नंबर हैं मेरे, क्योंकि मेरे फर्स्ट ईयर में बहुत कम नंबर थे, सेकंड ईयर के मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ फिर भी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरे कोई आएँगे 70% तक नंबर आ जाएंगे, लेकिन 60% तक आए हैं नंबर्स फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी बता दीजिए अगर कोई सेकंड ईयर का देख रहा है मुझे, तो मेंशन कर दे शेयर करने से क्या हो जाता है आखिर रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। मैं नहीं दिखाऊंगा। ओ ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड विद अस, और मिलते रहेंगे हम आपको मज़ेदार व्लॉग्स के साथ, वीडियोस के साथ, मसाला वीडियोस के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक टू मी स्पेशली, बिकॉज इट इज़ द टाइम, इट इज़ द पीरियड, इट इज़ द ड्यूरेशन ऑन विच ओवरऑल थिंग्स आर डिपेंड्स, बिकॉज इट इज़ अ टाइम पीरियड जब हम सोचते हैं कि हम इस उम्र में हम कुछ कर लें। ये हमारी उम्र होती है कि आगे कुछ कर लें, अपना करियर बना लें, कुछ कर लें, कुछ आगे यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करनी है कि जॉब करनी है, कुछ भी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। प्लानिंग तो मैंने बहुत बड़ी की हुई है, साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना ही कहूँगा, बस वो अब हो जाए जो प्लानिंग की हुई है वो पूरी हो जाए, और आपको भी बड़ा मज़ा आएगा उस प्लानिंग के साथ साथ मुझे उस प्लानिंग के अंदर देखते हुए, और मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा खुद भी। और मेरी ख्वाहिशात जो हैं, मेरी जो चाहत है, मेरी वो जो विल है वो पूरी हो जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक टू मी अगेन। मैं सोचते होंगे कि मैं खुद भी क्यों कह रहा हूँ। सो सबसे बड़ा मोटिवेट अगर कोई बंदा होता है ना, वो इंसान के लिए खुद होता है, और मुसीबत का सहारा भी मुश्किल के वक्त जो काम आता है ना, वो इंसान खुद ही होता है। इंसान के मुश्किल वक्त का सहारा भी इंसान खुद ही होता है। सो ओके, बेस्ट ऑफ लक अगेन टू मी एंड ओवरऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट, बिकॉज उनका शुरू हो गया ड्यूरेशन करियर का आगे क्या करना है। सो ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड विद अस।